बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप खैर खैरियत अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपको जो रिव्यू देने जा रही हूँ वो हुस्न यूसुफ फिल्म का है, हॉनेस्ट रिव्यू है। और ये मैं पर्सनली जो है ना मैं यूज़ करती हूँ, और जो है ये बहुत अच्छी क्रीम है, हर्बल है, नेचुरल है, अफोर्डेबल भी है। और पर्सनली मैं इसको, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ एक बार और सेकेंड टाइम अब यूज़ कर रही हूँ, तो इसका बहुत अच्छे इफेक्ट है। ये है वाइटनिंग क्रीम, और जो है मैं इसको डिटेल रिव्यूज़ आपसे शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो पूरी देखनी है। और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली न्यू रिव्यूज़ और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है ना आप सबको मिलती रहें। तो चलिए जी, इसके बेनिफिट्स और इसके जो कैसे लगाते हैं और ये इसमें क्या ख़ास बात है जो मैं आपको सब बताती हूँ। तो जो है ना ये इतनी अच्छी क्रीम, मतलब वाइटनिंग क्रीम है, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, जो मतलब 100% नेचुरल है। तो मैं इसको 100% रिकमेंड करती हूँ। इंस्टेंट ग्लो देती है, क्लियर करती है डार्क स्पॉट को, आपके जो एक्नी स्कार्स हैं, एक्नी स्केयर्स होते हैं जो मतलब उनको ख़त्म करती है। और सबसे अच्छी बात इस क्रीम की ये है कि आपके जो डार्क सर्कल जो होते हैं ना, उनको भी ये थोड़ा लाइट कर देती है। तो मैं मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि मतलब इसका जो है ना बहुत अच्छे जो है ना इसके इफ़ेक्ट्स हैं। जो क्रीम है ना ये स्किन पर जो है ना एज अ मॉइस्चर जो हम अप्लाई कर सकते हैं, एज अ मॉइस्चर भी वर्क करती है। बाकी क्रीम जो होती है ना, जैसे कि फाइजा ब्यूटी क्रीम हो गई, आपकी गोल्डन पर्ल क्रीम हो गई, तो इनका काम होता है कि इंस्टेंट ग्लो तो दे देती हैं, ठीक है, और रात को लगाकर जैसे आप सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा शाइनिंग भी आ जाती है, हर चीज़ हो जाती है, वाइटनिंग इफेक्ट भी इनका होता है। बट इनका जो है साइड इफेक्ट भी होता है, जब आप इनको कभी छोड़ देते हैं ना तो फिर आपका उतने ही साइड इफेक्ट जो है ना प्रोमिनेंट आपको विजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसका सबसे अच्छी बात सही देने की ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट और हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, ये 100% जो है नेचुरल है। इसका अगर आप इसको छोड़ भी देंगे ना तो उसका कोई इतना हार्मफुल इफेक्ट नहीं आपको नज़र आएगा। और मैं सईद गनी के प्रोडक्ट जो है ना इसलिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि मुझे ये इतना अच्छा ब्रांड लगता है, पाकिस्तानी ब्रांड है। और हाँ, मतलब इसकी इनकी जो टोटली जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना 80-85% वो ऑर्गेनिक होती हैं, तो इनके कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते ना साइड इफेक्ट होते हैं। और प्राइस भी इनके इतने रीज़नेबल अफोर्डेबल हैं जो कि हर कोई मतलब कर सकता है अफोर्ड, इतने ज़्यादा प्राइस भी नहीं होते। इसका जो सिंपल प्राइस जो है वो 250 से 280 तक है, और इजीली आपको जो है ना अवेलेबल हो जाती है, आप डिलीवरी, फ्री डिलीवरी भी आपको मिल जाती है। अगर आप वेबसाइट पे जाकर उनको सर्च करें तो आपको वहाँ से ही मिल जाएगी, और अदरवाइज़ आप सईद गनी की शॉप में जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। और जो है ना मैं इसलिए इसको रिकमेंड लाजमी करूँगी क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है, मैं इसको जो है ना बहुत मतलब मैंने पूरा मंथ इसको इस्तेमाल किया है, और मैं सेकेंड टाइम इसको जो है ना यूज़ कर रही हूँ, और जो है ना इसके बहुत अच्छे जो है ना रिज़ल्ट है। ये एंटी बैक्टीरियल जो है ना प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर हैं, और ये डीपली जो है ना क्लीन, मतलब हमारे फेस को इतना अच्छा ग्लो देती है ना, इंस्टेंट ग्लो देती है। और टेक्सचर जो अगर आप हम देखते हैं इसका टेक्सचर, तो इसका टेक्सचर जो है वो इतना कि स्मूथ है, ना तो इतना मतलब थिक है और ना ही इतना मतलब जो है ना वो हार्ड है, ना थिक है और ना ही इतना जो है ना वो क्रीमी है। टेक्सचर इसका बहुत अच्छा है, और जो है ना ये सिंपली इसकी फ्रेगनेंस भी इतनी अच्छी है, और देखिए मैंने अभी ये यूज़ की हुई है और इतने क्रीमी इसका जो है ना टेक्सचर है। और आप ये मतलब इसका बेस्ट टाइम यही है कि आप रात को जो है ना ये लगा कर जो है ना आप सो जाएं, और रात को लगा कर सो जाएं, और पहले सबसे पहले आप जो है ना अच्छे से किसी अच्छे से फेस वॉश है आपने फेस वॉश करना है, और उसके बाद जो है ना क्लिनजिंग वगैरह आप अच्छे से करें, अपने फेस को डीप क्लीन करें ताकि कोई डर्ट वगैरह ना रहे, और उसके बाद आप इसको जो है ना रात को लगाएं और लगा कर सो जाएं। तो सुबह उठ के देखेंगे तो आपके जो है ना फेस पर इतनी अच्छी कि ग्लो होगी ना, इतनी अच्छी। अच्छा, इसका वाइटनिंग इफेक्ट जो है ना वो इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, कई क्रीम्स जो होती हैं ना जो बहुत फास्ट जो है ना आपके स्किन को फ़ौरन वाइट कर देती है, इसका ऐसा इफेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि टाइम लेती है, आप इसको 1 मंथ रेगुलर यूज़ करें, उसके बाद आप इसके ख़ुद आपको पता चल जाएगा कि इसके जो है ना कितने अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो मैं इसको लाजमी रिकमेंड करूँगी, और इसके बाद जो है बेस्ट टाइम इसका यही है कि आप रात को जो है ना वो लगा कर सोएं। वैसे दिन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, पर ये है कि रात में ये ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ज़्यादा परफेक्ट रिज़ल्ट चाहते हैं ना इसका, तो वो आप रात को ही यूज़ करें। वैसे भी ये नाइट क्रीम है, ब्यूटी क्रीम है, और नाइट में जो है ज़्यादा आपके लिए सूटेबल होगी। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप इसको लाजमी एक बार इस्तेमाल करें, फिर जो है ना आप फीडबैक दें, और आप लाजमी इसको एक बार यूज़ करके देखें कि इसकी कितनी अच्छी आपके स्किन को ग्लो आती है, आपके जो डार्क स्पॉट है ना और जो एक्नी स्केयर्स हैं उनको भी लाइट कर देती है मेरे। और हाँ, ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है एज अ मॉइस्चराइज़र ना।
और ड्राई स्किन वालों के लिए भी ये अच्छी है। दोनों ही मतलब जिनकी सेंसिटिव स्किन है ना वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो सेंसिटिव स्किन वाले तो ना कई मेरी खुद की स्किन जो है ना वो सेंसिटिव है, तो मैं दूसरी कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लूँ ना तो मेरे चेहरे पर रेडनेस हो जाती है, रैशेज़ वगैरह पड़ जाते हैं, इचिंग वगैरह शुरू हो जाती है। तो इस क्रीम का जो है ना ये बेनिफिट है कि इससे ना तो इचिंग होगी ना आपके रेडनेस होगी ना रैशेज़ होंगे, बल्कि इतनी प्यारी जो है ना ग्लो आएगी आपके फेस पे। तो आप जो करो आप इस्तेमाल करें तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर लगा के इसको अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।